स्टाइल है, ब्लास्ट स्टाइल है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग दूरी बना के रहें, आप लोग खुद की अपनी सुरक्षा करें, खुद की अपनी सुरक्षा करें और दूरी बना के रहें। सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से, छायाकार बंधुओं से आग्रह है कि ब्लास्ट का ट्रायल होगा, ब्लास्ट का ट्रायल होगा, आप सभी लोग जो है दूरी बना के रखें। 22 मई को दोपहर 2:30 बजे जब सूरज सिर के ऊपर चमक रहा होगा, नोएडा के सेक्टर 93A में मौजूद ट्विन टावर तब पहले की तरह तनकर खड़ा नहीं रहेगा। बस 9 सेकंड के भीतर भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक शहर के नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये संयोग ही है कि 9 सेकंड की ये कार्रवाई दो सुपरटेक बिल्डिंग्स को लेकर 31 अगस्त 2021 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 9 महीने बाद की जाएगी। एपेक्स और सियान को इसी दिन जमींदोज करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। उस दिन धमाके से कुछ देर पहले काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और आसपास पूरी तरह से सन्नाटा पसरा होगा। इस कार्रवाई के लिए टावर के आसपास रहने वाले करीब 1500 परिवारों को अपना घर कुछ समय के लिए छोड़ना होगा। टावर की तरफ जाने वाली सड़क और पास के नोएडा एक्सप्रेसवे के हिस्से को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। करीब 4000 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल कर नियंत्रित तरीके से ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। एडिफाइस इंजीनियरिंग को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। सोमवार को उसने अपना प्लान साझा किया। कंपनी ने बताया है कि सियान को पहले ध्वस्त किया जाएगा, इसके बाद एपेक्स को ढा दिया जाएगा। इमारत एक के बाद एक फ्लोर के रूप में जमीन की तरफ ढहती चली जाएगी। बिल्डिंग में जहां पहले आलीशान अपार्टमेंट बनाने की योजना थी और उसे बेचा गया था, वहां प्राइमरी और सेकेंडरी दो ब्लास्ट किए जाएंगे। दोनों टावरों में 10 प्राइमरी ब्लास्ट, ग्राउंड पहले, दूसरे, छठवें, दसवें, चौदहवें, अठारहवें, बाईसवें, छब्बीसवें और तीसवें फ्लोर पर होगा। इस ब्लास्ट की अवधि 0 से 7 सेकंड होगी। इसी तरह सेकेंडरी ब्लास्ट 0 से 3.5 सेकंड का होगा। सेकेंडरी ब्लास्ट फ्लोर में 4वां, 8वां, 12वां, 18वां, 20वां, 24वां, 28वां होगा। एडिफाइस के उत्कर्ष मेहता ने बताया 2500 और 4000 किलोग्राम विस्फोटक की जरूरत होगी। मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के पहले हफ्ते में एक टेस्ट ब्लास्ट प्लान किया गया है, जिससे विस्फोटक के उचित इस्तेमाल और सुरक्षा मानकों की पड़ताल की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वर्ल्ड।